गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग सब कैसे अच्छे हो। अपन आगे पढ़ाई को जारी रखते हैं। अगला टॉपिक है अपना पॉलिनेशन। अपन पढ़ रहे थे एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है, कि पॉलिनेशन के एजेंट पढ़ रहे थे। अपन ने एबायोटिक एजेंट स्टडी कर लिए थे, एबायोटिक एजेंट स्टडी कर लिए थे, एबायोटिक एजेंट। एबायोटिक में अपन ने दो एजेंट स्टडी किए थे, एक का नाम था बाय द वाटर एंड बाय द एयर, एयर और वाटर से पॉलिनेशन। आज अपन इस पॉलिनेशन पढ़ेंगे बायोटिक, उसमें दो तीन घटनाएं ऐसी बताऊंगा मैं आपको जो आपने जिंदगी में नहीं सुनी होगी कि सर रियल के अंदर ऐसे एविडेंस भी होते हैं, दुनिया के अंदर ऐसी घटनाएं भी होती हैं। आप वीडियो देखते जाओ, आप महसूस करोगे कि वास्तव के अंदर ऐसी घटनाएं भी होती हैं। यानी ये जो आपके आसपास दिख रहे फूल, उन फूलों के साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं का अपन अध्ययन करेंगे। वैसे तो बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन अपने कोर्स में चार घटनाएं दे रखी हैं, चार ऐसी ऐसी घटनाएं एविडेंस दे रखे हैं, उनको अपन एक्सप्लेन करेंगे। तो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन में अपन क्या है, एबायोटिक और बायोटिक दो एजेंट होते हैं। मैंने कल बताया था आपको बायोटिक क्या होता है, मोस्टली जो पॉलिनेशन होता है बायोटिक होता है। अब बायोटिक में क्या होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर द पॉलन ग्रेन, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे पॉलन ग्रेन को, कहां तक ट्रांसफर करेंगे, स्टिग्मा तक, कहां तक करेंगे, स्टिग्मा तक। इसको अपन कहते हैं पॉलिनेशन। और इसको किसके द्वारा हुआ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा हुआ, तब इसका नाम हो गया बायोटिक पॉलिनेशन। अब सवाल आता है, इसको तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, कितने कैटेगरी में, तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया। छोटी छोटी मैं आपको दो तीन डेफिनेशन बताऊंगा, आपको उन डेफिनेशन को एकदम याद कर लेना है। सबसे पहले है एंटमोफिली, 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 ठीक है। दूसरा है ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली, ठीक है, ऑर्निथोफिली, एंटमोफिली। तीसरा है करेप्टो पेट्रोफिली, ये तीन है, ठीक है। अब ये तीनों में आपसे अलग अलग बता रहा हूं, एंटमोफिली मतलब क्या होगा, यानी कि अपन कहेंगे एंटमोलॉजी। सबसे पहले आपको दो छोटी छोटी और डेफिनेशन बताते हैं। एक होता है एंटमोलॉजी, एंटमोलॉजी मतलब क्या होता है, ऐसी साइंस की ब्रांच जिसमें इंसेक्ट की स्टडी करते हैं, ये ब्रांच of science which deal the study of insect। Entomology means a science की एक ऐसी branch होती है जिसमें अपन insect की study करते हैं। अगर आपसे पूछा entomology क्या है, तो आप बताओगे जिसमें insect की study की जाती है उसको कहते हैं entomology। दूसरा होता है ornithology, ornithology means क्या होता है, जिसमें birds की study की जाती है, यानी साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसमें बर्ड्स की स्टडी करते हैं। डॉक्टर सलीम अली बहुत बड़े बर्ड ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, बहुत ज्यादा पक्षियों पर अध्ययन करते थे। तो ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी क्या है, साइंस की एक ब्रांच है जिसमें बर्ड्स की स्टडी की जाती है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है ये नाम, ये ऑर्निथोलॉजी क्या है, साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें बर्ड्स की स्टडी की जाती है। एंटमोलॉजी क्या है, जिसमें इंसेक्ट की स्टडी की जाती है। अब एंटमोफिली, ऑर्निथोफिली और किरोपेट्रोफिली है, ये तीन वर्ड है। एंटमोफिली मीन्स क्या होते हैं, जो पॉलन ग्रेन होते हैं उनको ट्रांसफर किया जाता है स्टिग्मा तक बाय द इंसेक्ट, विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट की सहायता से अगर पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक ट्रांसफर करेंगे तो उसको कहते हैं एंटमोफिली। ऑर्निथोफिली मीन्स क्या होते हैं, बर्ड्स की सहायता से क्या किया जाता है, पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक ट्रांसफर किया जाता है। इसमें अपना नाम है टेरोपस, टेरोपस का मतलब है बैट, चमगादड़। ये चमगादड़ रात को उड़ते रहते हैं और जो फूल होते हैं उन फूलों के पॉलन ग्रेन को दूसरी जगह पहुंचाते रहते हैं। इनके द्वारा भी क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, ये कीट भी खाते रहते हैं और इस तरह से ये मेमेलियन है, ध्यान रखना। तो अपने को ध्यान रखना ये बर्ड नहीं है, ये मेमेलियंस है। एंटमोफिली क्या है, ऑर्निथोफिली क्या है और किरोपेट्रोफिली क्या है, ये तीनों अलग अलग छोटी छोटी डेफिनेशन है जो आपको याद रख लेनी है। अब मैं आपको एक शब्द दे रहा हूं, आप लोग सर्च करके मुझे बताना, आप लोगों को पता हो तो
ट्राइकोलॉजी क्या है, यह आपके लिए पहली है। ट्राइकोलॉजी क्या है, ट्राइकोलॉजी, ठीक है। तो एंटमोफिली, ऑर्निथोफिली और क्रिपेट्रोफिली, यानी बर्ड्स बैट्स के द्वारा अगर पॉलन के स्टिग्मा तक ट्रांसफर होंगे तो उसको क्रिपेट्रोफिली कहेंगे। और बर्ड्स के द्वारा जैसे हमिंग बर्ड है, क्या है, हमिंग बर्ड है, जैसे सन बर्ड होते हैं, ये क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक ट्रांसफर करते हैं। इसी तरह से एंटमोफिली में इंसेक्ट है। अब इंसेक्ट के आपके दिमाग में नाम पूछे जाते हैं, सबसे पहले है बीज, बीज है वो इंसेक्ट है, मधुमक्खियां। फिर है उसके बाद बटरफ्लाई, बटरफ्लाई क्या है, बटरफ्लाई आपको बताना है इंसेक्ट है। फिर है वेस्प, वेस्प काले रंग के भौरे और काले रंग सफेद रंग के भौरे, सफेद तो नहीं होते, काले और पीले रंग के होते हैं वेस्प। फिर उसके बाद में आती है आंट्स, क्या आती हैं, आंट्स, बटरफ्लाई हो गई, आंट्स हो गई। फिर होती है फ्लाइज, क्या होती हैं, फ्लाइज, कॉकरोच, क्या है, कॉकरोच है। ये सब आते हैं इंसेक्ट के अंदर, क्या होते हैं, जो कि ज्यादातर आप देखोगे बारिश के टाइम जितने भी जो आपके आस पास उड़ने वाली बीटल्स होती हैं, बीटल्स होती है, वो क्या है, वो सब इंसेक्ट है। यानी बारिश में आप जैसे देखोगे लाइट चालू करोगे उसके आसपास आके जो भी छोटे छोटे जीव गिरेंगे वो मोस्टली क्या होंगे, इंसेक्ट होंगे। तो आपसे पूछा इंसेक्ट के एग्जाम्पल बताओ, बीज है, बटरफ्लाई है, वेस्प है, आंट है, फ्लाई है, दीज आर द इंसेक्ट, याद हो गया। तो मोस्टली जो पॉलिनेशन होता है वो एंटमोफिली द्वारा होता है। इसके अलावा ऑर्निथोफिली, क्रिप्टोफिली, ये सब क्या है, ये पॉलिनेशन के मेथड्स हैं। अब एंटमोलॉजी क्या है, ये ध्यान रखना बच्चों, यानी एक साइंस की ब्रांच जिसमें स्टडी ऑफ द इंसेक्ट करते हैं। अगर आप आगे एमएससी करोगे तो एमएससी में एक ब्रांच आएगी आपके एंटमोलॉजिस्ट, यानी आप एंटमोलॉजी लोगे, इसका मतलब उसमें आपको एंटमो या एंटमो पढ़ना पड़ेगा, इंसेक्ट पढ़ना पड़ेगा। ऑर्निथोलॉजी मींस बर्ड की स्टडी की जाती है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो बायोटिक मींस क्या होता है, बायोटिक मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू पॉलिनेशन होगा, ये अपने को ध्यान रखना। अब मैं इसमें चार घटनाएं बताऊंगा, उससे पहले अपने एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, कि भाई पॉलन ग्रेन होते हैं, यानी जो इंसेक्ट द्वारा ये जो अपन कहते हैं बायोटिक पॉलिनेशन होता है, उसके लिए फ्लावर्स में क्या क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए, फ्लावर्स में क्या क्या कैरेक्टर होने चाहिए ताकि उसमें क्या हो जाए, पॉलिनेशन हो जाए। फ्लावर्स में कैरेक्टर्स बताते हैं, आप सोचो फ्लावर्स में क्या क्या कैरेक्टर होंगे ताकि इंसेक्ट आए, ठीक है, बताओ क्या क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए फ्लावर्स के अंदर। तो फ्लावर्स के अंदर सबसे पहला कैरेक्टर ये होना चाहिए, फ्लावर इज कलरफुल, फ्लावर इज कलरफुल, यानी फूल ऐसा होना चाहिए जो चटकीला भड़कीला हो, शाइनिंग हो, कलरफुल हो, ताकि इंसेक्ट दूर से देखते ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है, इट इज वेरी कलरफुल। दूसरा, साइज बड़ी होनी चाहिए ताकि इंसेक्ट को आराम से दिखे, इंसेक्ट आके आराम से बैठ सके उस फूल के ऊपर, ठीक है। और अगर साइज छोटी है तो बंच में होनी चाहिए, किसमें होनी चाहिए, साइज अगर स्मॉल है तो फ्लावर्स किसमें होने चाहिए, बंच में होने चाहिए ताकि इंसेक्ट को दूर से ही दिखाई दे। दूसरा, उसमें स्मेल होनी चाहिए, उसमें खुशबू आनी चाहिए सेंट के जैसे, ताकि इंसेक्ट क्या है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, ठीक है, यानी स्मेलिंग कैरेक्टर होना चाहिए। अब कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जो बहुत गंदी बदबू मारते हैं, क्या मारते हैं, बहुत बैड स्मेल मारते हैं, यानी उसमें बहुत गंदी बदबू आती है, लेकिन उसमें ये गंदी बदबू बहुत काम आती है। कुछ फ्लाइज, कुछ मक्खियां उसके चारों तरफ क्या होती आ जाती है, कुछ बीटल्स जो काले काले रंग की होती है, बीटल्स उंगले टाइप, वो भी क्या होती है, इन फ्लावर्स की तरफ आ जाती है और पॉलिनेशन करती है। आप सोचते हो कि इस फूल के पास कौन आता होगा, इस फूल के पास आते हैं फ्लाइज, बीटल्स, और इसका पॉलिनेशन कर देते हैं। तो फूल में अगर गंदी बदबू आ रही है, एकदम आप ऐसे महसूस कर रहे हो, वेरी बैड स्मेल, दिस फ्लावर इज हैव वेरी बैड स्मेल, आप कहते हैं कैसा गंदा फूल है, लेकिन वो गंदा फूल इन फ्लाइज के लिए बहुत अच्छा है, फ्लाइज को ये गंदी खुशबू अच्छी लगती है, बीटल्स होते हैं उनको ये गंदी खुशबू अच्छी लगती है और उसकी तरफ आते हैं और पॉलिनेशन कर देते हैं। तो स्मेल भी होनी चाहिए फ्लावर्स में, ठीक है, जिसके कारण इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं। तीसरा आपको बताना है कि फ्लावर है उसमें नेक्टर ग्लैंड्स होनी चाहिए, नेक्टर ग्लैंड्स, नेक्टर ग्लैंड्स होगी तो क्या होगा, फूड मिलेगा, फूड मिलेगा तो अपन कहेंगे ये प्राइज है, क्या है, प्राइज है, इनाम है, और भागता हुआ भौरा आएगा
भागता हुआ बीज आएगी और पोलन है उसको चूसेगी और भोजन बनाएगी, तो एक तरह से फूड होता है, वो इनाम की तरह काम करता है। और बिना इनाम के कोई आदमी काम करता है क्या? बिना उसको कहीं खाने को मिलेगा तो दौड़ के जाएगा और कहेगा ठीक है भाई क्या काम करना है। वैसे ही ये क्या होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, इनको मिलता नेक्टर और नेक्टर से ये शहद बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? शहद बना लेते हैं। तो इस तरह से इनमें क्या मिल गया? भोजन मिल गया। फिर पोलन ग्रेन स्टिकी होते हैं। पोलन ग्रेन क्या होते हैं? स्टिकी। पोलन ग्रेन जाते ही चिपक जाते हैं। पोलन ग्रेन तो ऐसे इंतजार करते हैं कि आओ इंसेक्ट आओ, आते फट चिपक गए, ठीक है, और इंसेक्ट बेचारा उस पोलन ग्रेन को लेके चला जाता है। स्टिकी होते हैं लेकिन नंबर में कम होते हैं। ज्यादा होंगे तो क्या होगा, एक बार में चिपक जाएंगे, फिर दोबारा क्या होगा, इंसेक्ट आएंगे नहीं, कहेगा वहां फूल के पास बन जा रहा, वहां तो बहुत ज्यादा पोलन ग्रेन चिपक जाएंगे। पोलन ग्रेन स्टिकी होते हैं, नंबर स्लो होता है, इनका संख्या कम होती है। फिर उसके बाद में स्टाइली स्मॉल होती है। स्टाइली क्या होती है? स्मॉल होती है, स्टाइली छोटी होती है ताकि इंसेक्ट आके बैठ सके। स्टिग्मा थोड़ी चिपचिपी होती है ताकि इंसेक्ट वो पोलन गिरे, तो ये स्टिकी होती है, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है सबसे पहले तो, ठीक है। आपसे पूछा कि फ्लावर के अंदर क्या कैरेक्टर्स होते हैं, अगर पॉलिनेशन हो रहा है, बायोटिक पॉलिनेशन हो रहा है, यानी कि इनके द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है, तो उसमें क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, ये कैरेक्टर्स आपको याद रखने हैं। फ्लावर कलरफुल होना चाहिए, उसकी साइज लार्ज होनी चाहिए। साइज अगर लार्ज नहीं है तो कोई बात नहीं, चड़कीला बड़कीला नहीं है तो कोई बात नहीं, स्मॉल साइज का है तो वंश में हो ताकि इंसेक्ट को दूर से दिखे। उसमें स्मेल होनी चाहिए, गंदी हो या अच्छी हो। अब हर जगह तो क्या है, अलग अलग की अलग अलग स्मेल पसंद होती है। तो ये क्या है, ये कुछ फ्लावर्स बहुत गंदी बदबू मारते तो कोई बात नहीं, मक्खियां भिनभिनाती हैं, बीटल्स होते हैं वो चले जाते हैं और पॉलिनेशन कर देते हैं। नेक्टर ग्लैंड्स होती हैं वो प्रेजेंट होनी चाहिए इसके अंदर। पोलन ग्रेन स्टिकी होने चाहिए, नंबर्स में लो होने चाहिए। अपन कह रहे हैं इसमें स्टाइल स्मॉल और स्टिग्मा स्टिकी होनी चाहिए, ये सब इसमें कैरेक्टर्स होते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बताऊंगा, फिर उसके बाद अपन घटनाएं शुरू करेंगे, जो घटनाएं ना आपने देखी होगी ना आपने सुनी होगी, ठीक है। बच्चों आप लोग है ना, इन घटनाओं को गांठ भी मान लेना कि ऐसा भी होता है क्या इस दुनिया के अंदर। अब अपन देखो, सबसे पहले बताते हैं चोर, क्या बताते हैं, चोर या थीफ, डाकू, थीफ, पोलन थीफ, पोलन थीफ, या अपन कह सकते हैं नेक्टर थीफ, नेक्टर थीफ। आपके आसपास बहुत सारे फूल होंगे, फ्लावर्स होंगे, उन फ्लावर्स की आप, ये क्वेश्चन आता व्हाट इज द पोलन थीफ, व्हाट इज द नेक्टर थीफ, नेक्टर थीफ या पोलन थीफ क्या है। तो आप तो क्या है, तुरंत दिमाग लगा लेते हो भाई नेक्टर थीप या पोलन थीप क्या है, तो आप तुरंत बता देते हो चोर है। लेकिन आपको समझाना है कि कुछ फ्लावर्स होते हैं जैसे वाटरमेलन है, जैसे आपके आसपास में बहुत सारे बैंगन है, पपीता है, ये लौकी है, ये सब बहुत सारे 10-15 नाम बता देने कि ये फूल होते हैं, इन फूलों के आसपास बहुत सारे इंसेक्ट घूमते रहते हैं। हम दिन भर इंसेक्ट की स्टडी करते हैं, इसके पास कौन आया कौन नहीं आया। ये मान लो आपने फूल है, इसके पास में 10 इंसेक्ट आते हुए देखे, कभी भौरा आया, कभी तितली आई, कभी मधुमक्खी आई, कभी इसके पास चिड़की आई, कभी इसके पास कोई आया, ठीक है, दिन भर इसके पास आए। इसमें नेक्टर ग्लैंड्स है, उससे ये क्या इंसेक्ट है, वो भोजन को चूस लिया, भोजन को क्या कर लिया उन्होंने, चूस लिया। अब ये क्या है, इसका मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है, लेकिन इस इंसेक्ट ने इस पॉलिनेशन में हेल्प नहीं की, इस इंसेक्ट ने इस पॉलिनेशन में हेल्प नहीं की, यानी किसी प्रकार के पॉलिनेशन प्रोसेस है उसके अंदर हेल्प नहीं की, और ये मकरंद यानी फूड है, नेक्टर है, उसको चूस कर उड़ गए। तब इन इंसेक्ट को कहते हैं पोलन थीप या नेक्टर थीप। समझ गए बात को, तो आपको मैं ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, काम किया लेकिन मतलब काम बिना इनाम, इनाम ले लिया लेकिन काम नहीं किया, तो इनको कहते हैं पोलन थीप या नेक्टर थीप। फूल है, उस फूल के अंदर भोजन था, उस भोजन को नेक्टर को चूसा, उड़ गए, लेकिन उन्होंने पॉलिनेशन नहीं किया, तब इनको कह दिया नेक्टर थीप। क्या कह दिया, नेक्टर थीप, हो गया कंसेप्ट क्लियर। तो मैं पूछूंगा पोलन थीप या नेक्टर थीप क्या, तो आप समझा दोगे इसको, ठीक है बच्चों। अब अपन एक एक घटना को शुरू करते हैं, आप थोड़ा ध्यान से सुनना। सबसे पहले अपन क्या है, युक्का प्लांट है, कौन सा प्लांट है, युक्का प्लांट है, युक्का प्लांट है,
और मौत है, उसके बीच में रिलेशन पढ़ते हैं। युग का मौत, मौत का नाम है युग का मौत। मौत क्या होती है? तितली जैसी होती है, थोड़ी मोटी तगड़ी होती है, थोड़ी मोटी होती है, ठीक है, उसको कहते हैं मौत। बटरफ्लाई की जैसी होती है, बटरफ्लाई की तरह ही होती है, लेकिन ये थोड़ी बटरफ्लाई पतली पतली होती है, छोटी होती है, मौत थोड़ी मोटी होती है बीच से बॉडी उसके, ठीक है। तो युग का मौत है और युग का प्लांट है, इसको अपन रिलेशन को समझते, ध्यान समझना आप लोग। अब युग का प्लांट होता है, उसका ये फ्लावर है, इस फ्लावर के अंदर ये फीमेल पार्ट है, क्या है ये फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट का नाम है ओवरी, क्या है ओवरी, ठीक है। मैं आपको कहानी तरह समझा रहा हूं, और ये क्या है, ये अपने पास में मौत है, क्या है मौत है, तितली की तरह ही होती है मौत, इसका नाम है युग का मौत, प्रोन्यूबा कहते हैं, वैसे तो आपको इतना याद नहीं करना, युग का मौत है, कौन सी मौत है, युग का मौत है। अब ये युग का मौत है, ये आएगी और ये क्या करेगी, इस ओवेरी को पिनेट्रेट कर देगी, ओवेरी को छेद कर देगी। मच्छर मक्खी तो कितने घातक होते हैं, अच्छी अच्छी जगह खून चूस लेते हैं अपना, जो ये बेचारी ओवेरी है, क्या है ओवेरी, उस ओवेरी में क्या करती है, पिनेट्रेशन करती है और अंदर घुस जाती है। मौत आई, बड़ा सा फूल था उसके अंदर, पिनेट्रेशन किया और अंदर घुस गई मौत इसके अंदर। मौत इसके अंदर घुसने के बाद क्या करेगी, एग रिलीज करेगी, बहुत सारे एग दे देगी, ये ओवेरी के अंदर घुस गई, मान लो इस तरह से ओवेरी के अंदर आ गई और इसने बहुत सारे क्या कर दिए, एग दे दिए, बहुत सारे इसने क्या दे दिए, एग दे दिए, समझ गए बात को, एग ही एग दे दिए, रास्ता ही नहीं बता, एग दे दिए इसने, बहुत सारे ऐसे एग दे दिए, समझ गए बात को। एग देने के बाद में ये क्या है, ये बाहर चली जाती है, उससे पहले यहाँ पॉलन ग्रेन से रास्ता बंद कर देती है, ये पॉलन ग्रेन डाल के क्या करती है, रास्ता बंद कर देती है, इसने बहुत सारे यहाँ पॉलन ग्रेन डाल दिए, बिलियंस ऑफ पॉलन ग्रेन यहाँ छिड़क दिए, ये लेके आई थी पॉलन ग्रेन युग का मौत, और ये ओवरी क्या हो गई, क्लोज हो गई, हो गई। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये ओव्यूल्स है, क्या है ओव्यूल्स है, ये पोलन ग्रेन इसको फर्टिलाइज करेंगे, क्या करेंगे फर्टिलाइज करेंगे, और फिर ओव्यूल से क्या बनेगा, सीड, क्या बनेगा ओव्यूल से उससे सीड बन जाएंगे, पॉलिनेशन के बाद पोलन ग्रेन चाहिए थे वो मिल गए, युक्का ने पहुंचा दिए। फिर उसके बाद इसके अंदर जो ये एग है, एग किसमें कन्वर्ट होंगे, एग होंगे प्यूपा में, लार्वा में, लार्वा होगा प्यूपा में और प्यूपा होगा एडल्ट में, यानी युक्का बनेगा, क्या बनेगा युक्का बनेगा, यानी आपने देखा कि सबसे पहले तो बन गया लार्वा, फिर बन गया प्यूपा, फिर बन गया उसके बाद में एडल्ट, और ये उड़ गया फुर, यानी ये वैसी मक्खी बनी और युक्का बना और उड़ गया, ये फट गई और इससे सीड बार जमीन पे गिरे, सीड से एक नया पौधा उग गया, युक्का नया प्लांट बन गया। बच्चों इस तरह से क्या हुआ, दोनों ने अपनी लाइफ स्पेन कंप्लीट कर ली। अब क्या बेनिफिट है युक्का प्लांट को, क्या बेनिफिट है युक्का प्लांट को, हुआ पॉलिनेशन, क्या हुआ युक्का प्लांट का हुआ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन होने से क्या हुआ फर्टिलाइजेशन हुआ, और फर्टिलाइजेशन से क्या हुआ सीड बने, और सीड बनने से क्या हुआ नए प्लांट बने, तो इसने अपनी लाइफ स्पेन पूरी कर ली, इसने क्या कर ली लाइफ स्पेन। मौत को क्या फायदा है, मौत को सबसे पहले हैबिटेट मिली, रहने को जगह मिली, फूड मिला, भोजन खाएगा, सारे अंडे ने सारे ये ओव्यूल्स सीड में डेवलप नहीं हो, कुछ खा जाएगा युक्का, युक्का खाएगा थोड़ा बहुत मैं खा लेता हूँ, फूड मिला, हैबिटेट मिला, प्रोटेक्शन मिला, कोई किसी प्रकार का खतरा नहीं, कोई किसी प्रकार का खतरा नहीं, अंदर सुरक्षित है लार्वा, क्या है अंदर लार्वा पूरी तरह सुरक्षित है। तो इस तरह से क्या हुआ कि दोनों को क्या फायदा है, दोनों को ये फायदा, ये क्वेश्चन एग्जाम आता बच्चों, आप लोग सोच रहे हो कि सरकार ही सुना रहे हैं, ये आपके स्पष्ट रूप से क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, कि युक्का प्लांट और युक्का मौत है उसके बीच में कनेक्शन बताओ, किस तरह से क्या कनेक्शन होता है, या वो पॉलिनेशन में किस तरह हेल्प करता है, स्पष्ट रूप से क्वेश्चन लिखा हुआ, टीचर भी आपसे पूछ सकता है, लेकिन आपको मैंने ऐसा समझा दिया है कि आपको कंटस्ट याद हो जाएगा, क्या फायदा है आपको ये घटना है उसको कहानी की तरह समझना है कि भाई सबसे पहले ये बटरफ्लाई है जिसका नाम युक्का मौत हुआ ही, उसने उसमें छेद किया, छेद करने के बाद उसने एग रिलीज किए, एग रिलीज करने के बाद वो बाहर निकली,
उससे पहले ये पॉलन ग्रेन ने उससे दरवाजा बंद कर दिया, फिर ये पॉलन ग्रेन ने ये क्या करते हैं ओवरी होती हैं, ओव्यूल्स होते हैं, उसको क्या करते हैं उसको फर्टिलाइज करते हैं और उससे सीड बन गए। अब इस सीड बने साथ में क्या हुआ, इस ये साथ में ये घटना भी चलती रही, लार्वा बने, प्यूपा बने, एडल्ट बने और ये बहुत सारी अंदर यूका मौत बनी। ठीक है, जैसे ये फल नीचे जमीन पे गिरा सूखा, अंदर से सारी वैस्प है वो बाहर निकल गई, तो इस तरह से ये वैस्प उड़ गई और ये सीड जमीन पे गिर गए। अब ये है कि इसमें दोनों को बेनिफिट है, यूका मौत को क्या बेनिफिट है, उसको हैबिटेट मिला, उसको फूड मिला, उसको प्रोटेक्शन मिला, प्रोटेक्शन कोई खतरा नहीं, अंडे दे दिए इसने मक्खी ने, सॉरी यूका मौत ने अंडे दे दिए भूल की, ये अब सोचेंगे नहीं उसने अंडे कहा दिए क्या दिए, ये इसके अंडे अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाएंगे एडल्ट में। ठीक है, बारिश आएगी तब और इसके अंदर क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, इसके अंदर सीड बन जाएंगे। दोनों बेनिफिट हुए कि नहीं हुए, हुए ना बच्चों। अब आपको एक दूसरी घटना बता दूं, इससे भी खतरनाक घटना है, इतना बड़ा धोखा होगा वहां सोचोगे नहीं, आपको भी दुख होगा कि वास्तव में इतना बड़ा घटना, इतना बड़ा धोखा हुआ है और कोई सहन भी नहीं कर सकता ऐसे धोखा। लेकिन बेचारी क्या करती है, कुछ फ्लाइज सहन करती है, वो आपको घटना समझाते हैं। भगवान ऐसा धोखा किसी के साथ नहीं करे, वैसा धोखा होगा ऑर्किड से। क्या है ऑर्किड से, ये क्या होते हैं, इक्वेटोरियल मेडिटेरियन ऑर्फिश होती है, ये कुछ पौधे हैं ऑर्किड्स जिनको ऑर्फिश भी कहते हैं, ऑर्फिश ऑर्किड्स और फ्लाइज, उसके बीच में आपको बताते हैं कैसे क्या होता है पॉलिनेशन। ये ऑर्किड है, ये ऑर्किड का फूल है, इसमें एक ये पंखुड़ी है, एक पेटल है, एक पेटल, एक पेटल का साइज और कलर ऐसा होता है फीमेल फ्लाई की तरह, किसकी तरह, फीमेल फ्लाई की तरह। फ्लाई तो दो तरह की होती है, मेल और फीमेल, मक्सी का है मेल और फीमेल दो फ्लाई है। ये जो ऑर्किड का फूल है, फ्लावर है, ऑर्किड का जो फ्लावर है, इस फ्लावर की ये जो अपन कह रहे हैं पेटल है, उसका कलर, उसकी जो साइज है, उसका अंदर जो स्ट्रक्चर है, वो ऐसा है कि वो लग रहा है कि फीमेल फ्लाई है। क्या है, फीमेल फ्लाई की तरह दिख रही है फूल, लेकिन उसके अंदर एक पंखुड़ी ऐसे हो गई। ये ऑर्किड मेल है, क्या है, ये ऑर्किड मेल है, ये ऑर्किड मेल है, ये ऑर्किड फीमेल है। मेल इसको देखेगा और देख के क्या होगा, उसके पास आएगा, पास आके उसके लिपटेगा, उसके साथ स्यूडो कॉपुलेट करेगा, स्यूडो कॉपुलेट बड़ा दर्द भरा शब्द है, स्यूडो कॉपुलेट यानी कि उसके साथ कॉपुलेट करेगा लेकिन झूठा कैपुलेट, उसके लिपटेगा, उसके यूं घूमेगा, उसके साथ सब कुछ करेगा, उसको सब कुछ प्राप्त होगा लेकिन वो सब झूठा है। क्या है, झूठा, ये एक्चुअल में पंखुड़ी है, क्या है, पंखुड़ी यानी पेटल्स, लेकिन उसको समझ क्या रहा है, उसको समझ रहा है कि ये तो फीमेल है, क्या है, फीमेल है। अब यहाँ पॉलन ग्रेन थे, ये पॉलन ग्रेन सब इसके चिपक है, सब इसके चिपक है। फिर उसके बाद ये ऑर्किड का एक और फ्लावर है, इसमें भी फूल ऐसा कैसा है, फीमेल फ्लावर की तरह, स्ट्रक्चर ऐसा कैसा है, ये यहां से लिपटने के बाद यहां जाएगा पॉलन ग्रेन, इसके चिपक है, ये यहां जाने के बाद ये पॉलन ग्रेन यहां जड़ जाएंगे, जड़ जाएंगे तो क्या होगा, इसने पॉलिनेशन कर दिया, इसने क्या कर दिया, पॉलिनेशन कर दिया। पॉलिनेशन कैसे किया, इस ऑर्किड के जो पॉलन ग्रेन है, इस ऑर्किड के जो पॉलन ग्रेन है उसको इस फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचा दिए। लेकिन बेचारे को इसको बड़ा दुख हो रहा है, धोखा हुआ इसके साथ, इसने समझा ये फीमेल है लेकिन ये फीमेल नहीं थी, ये फीमेल नहीं थी, ये आपको बताना है ये एक्चुअल में क्या, स्यूडो कॉपुलेशन हुआ, यहां हुआ तो हुआ, यहां फिर स्यूडो कॉपुलेशन हुआ, इसके साथ बार बार धोखा हो रहा है और ये इस तरह से पॉलिनेशन हो रहा है। फूल तो खुश है, भूल गया कोई बात नहीं, मेरा स्ट्रक्चर तो ऐसा है। अब साइंटिस्ट बार बार सोच रहे हैं कि जब इवोल्यूशन होगा, जब इवोल्यूशन होगा और धीरे धीरे इस फ्लावर का मान लो कभी कलर है वो चेंज हो गया, तब इसका लाइफ क्या होगा, ऑर्किड का लाइफ क्या होगा, क्या इसमें पॉलिनेशन होगा। बच्चों आपके हिसाब से सोचना,
कि आने वाला भविष्य इसका क्या होगा, अच्छा होगा या इसके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, ये इसका लाइफ है। आगे वाली लाइफ के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं कि सर ये हो सकता है कि ये ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो वैसा ही रहेगा जिंदगी भर, ये मक्खी आती रहेगी और इसका पॉलिनेशन करती जाएगी और स्यूडो पॉपुलेशन, इसको भी बेनिफिट होता रहेगा, इसको परम आनंद की प्राप्ति होती रहेगी और इस तरह से ये आपको एक्सप्लेन करना। अब आपको तीसरी घटना बताते हैं, क्या बताते हैं, तीसरी घटना। ये एक्चुअल में क्या है, ये चैप्टर अपन 13वां पढ़ेंगे, जो 13 चैप्टर है उसको अपन स्टडी करेंगे, उसमें ये घटनाएं आएगी, पॉलिनेशन से रिलेटेड है। अब ये म्यूटलिज्म वर्ड आता आपके कभी भी, म्यूटलिज्म, म्यूटलिज्म ये क्या है, रिलेशन है, एक रिलेशन ऐसा होता है जिसमें दोनों एनिमल्स को फायदा होता है, यानी दोनों एनिमल्स को क्या होता है, बेनिफिट होता है। जब दोनों एनिमल को बेनिफिट होता है तो उसको क्या कहते हैं, म्यूटलिज्म के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखना। ये म्यूटलिज्म क्या होता है, जिसमें बोथ एनिमल्स आर बेनिफिट, दोनों एनिमल्स बेनिफिट होते हैं, ये 13 चैप्टर के अंदर पॉइंट है और पॉलिनेशन में पॉइंट है, अपने ध्यान रखना। तीसरा अपन ये पढ़ रहे हैं फिग और मौत के बीच में, तीसरी घटना है फिग और मौत के बीच में। फिग एक्चुअल में क्या है, एक अंजीर होता है उसको कहते हैं फिग, फिग प्लांट और मौत प्लांट के बीच, बताते ये फिग है, इसका ये फूल है, इसमें ये क्या है, स्टिग्मा है, ये इसमें पॉलन ग्रेन है। अब ये मौत क्या करता है, मौत होता है वो आता है और अपने अंडे क्या करता है, इसके अंदर ओवेली के अंदर दे देता है, वापस वही प्रोसीजर, अंडे इस ओवेली के अंदर दे दिए। अब ये एग क्या रहेंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे, क्या रहेंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे और एग होगा, उनका लाइफ स्पेन पूरा होगा और नए मौत डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये क्या होगा, नए युग का बनते जाएंगे, नए ये फिग है, फिग के अंदर बहुत सारे ये क्या होंगे, लार्वा बनेंगे, प्यूपा बनेंगे और फिर आखिर में बहुत सारे क्या होंगे, नए मौत बनेंगे और रिलीज हो जाएंगे। और इसको फिग को क्या बेनिफिट है, पॉलिनेशन, क्या है, फिग के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है, जो अपन ने पहले पढ़ा था युग का और उसके अंदर जो एविड घटना थी ऐसी इसमें घटना है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, को इवोल्यूशन हो रहा है, एक वर्ड आ रहा है को इवोल्यूशन, को इवोल्यूशन का मतलब है कि इसमें दोनों का बेनिफिट हो रहा है, दोनों एक साथ विकसित हो रहे हैं, ये इवॉल्व हो रहा है तो ये भी इवॉल्व हो रहा है, यानी फिग डेवलप होगा वैसे वैसे मौत भी डेवलप होगा, ये अपने को ध्यान रखना है। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा, उसको आपको गूगल पे सर्च करना है, ठीक है, और मुझे बताना है कि सर आपने जो बताई थी वो चीज सही है गलत है। मेरा वर्ड है ए मॉर्फोफोलस, ए मॉर्फोफोलस, ऐसे कैसे लिखोगे, ए मॉर्फोफोलस टाइप करोगे, सबको टाइप आती है बहुत अच्छी, मैं जानता हूं, ए मॉर्फोफोलस ऐसे टाइप करोगे और टाइप करके मुझे बताओगे कि सर हमने टाइप किया और हमारे सामने ये खुला, मैं बता रहा हूं वैसे खुलता है कि खुलता है। इट इज ए 6 feet long, इट इज 6 feet long फ्लावर, ये 6 feet लंबा फूल होता है, ठीक है, 6 feet लंबा फूल होता है। आपकी लंबाई कितनी है, 5 feet होगी, 6.5 feet होगी, 6 feet भी होगी, ये 6 feet लंबा फूल होता है, कितने फिट, ये इस तरह से 6 feet लंबा फूल होता है। आप इस फूल को, ये मॉर्फोफोलस है, इस फूल टाइप करते आपके सामने इमेज आ जाएंगे, ये फूल होते हैं 6 feet लंबे होते हैं, इसमें क्या होते हैं, एग इंसेक्ट, इंसेक्ट होते हैं वो अपने एग डिपोजिट करते हैं, इंसेक्ट होते हैं वो अपने एग किसके अंदर डिपोजिट करते हैं, आपने बैंक सुना होगा, बैंक के अंदर आप क्या डिपोजिट करते हो, पैसे, क्या करते हैं, पैसे, वैसे इंसेक्ट का बैंक है ये, इंसेक्ट आते हैं और इसके अंदर एग डिपोजिट करके चले जाते हैं। बहुत बड़ा फूल होता है, बहुत 6 feet लंबा बहुत होता है, दिन भर हजारों इंसेक्ट आते हैं और आके अपने एग दिए, ये इंसेक्ट आया एग दिए, ये इंसेक्ट आया एग दिए, ये इंसेक्ट आया एग दिए, बहुत सारे इंसेक्ट आते हैं और एग देते हैं और एग ही एग दे दिए इन्होंने, और फिर एग से क्या बन गए, नए इंसेक्ट बन गए और ये सब उड़ गए हवा के अंदर, ये सब क्या हो गए, हवा के अंदर उड़ गए। तो इस तरह से क्या होता है, ए मॉर्फोफोलस क्या है, फ्लावर है, ए मॉर्फोफोलस एक फ्लावर होता है जो कि आपको, तो ए मॉर्फोफोलस एक फ्लावर होता है जो क्या करता है, एक डिपोजिशन सेंटर हो गया एग के लिए। तो क्वेश्चन आता, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए मॉर्फोफोलस, जो जमीकंद वगैरह होते हैं कुछ ऐसे 200 के आसपास इसमें जीनस पाए जाते हैं इस फैमिली के अंदर, तो इसमें क्या होते हैं, टू इतने सारे जीनस होते हैं वो इस फैमिली के अंदर प्रेजेंट होते हैं ए मॉर्फोफोलस के अंदर। ये सब फूल 6 feet लंबे होते हैं, लेकिन इस पर कुत्ते जैसी बदबू आती है, इसकी तरह डॉगी की तरह स्मेल आती है, इसलिए कोई आसपास
घूमता नहीं है, लेकिन लोग इसके पास खड़े होकर यूं ही सेल्फी लेते हैं, क्लिक क्लिक क्लिक, कितना बढ़िया फूल है, इतना आपके भेजते हैं लोगों को, इतना लंबा फूल आपने देखा है क्या? तो अपन कहते हैं नहीं भैया आपने बहुत अच्छा फूल किया, पीछे फूल तो इतना बदबू मारता, कुत्ते की तरह, किसकी तरह कुत्ता होता है, डॉगी की तरह स्मेल आती, इतनी गंदी बदबू आती लोग इसके पास खड़े, लेकिन सेल्फी लेने में आजकल दुनिया एक्सपर्ट है। तो ये 6 फीट लंबा फ्लावर है जिसमें एग क्या करते हैं, इंसेक्ट होते हैं, वो एग इसके अंदर डिपॉजिट करते हैं। तो ये अपन हो गए छोटे छोटे क्वेश्चन, आप लोगों को सबको मेरे हिसाब से ये वीडियो पसंद आया होगा, आप लोग कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू बच्चों।